नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई के बाद कई नक्सलियों ने अपनी राह बदल ली है। नक्सली अपने संगठन को छोड़ शराब के धंधे से जुड़ गए हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब लखीसराय जिले की सुरगढ़ा पुलिस ने हार्डकोर नक्सली अनंत कुमार एवं उसके भाई नूनू लाल कुमार को 30 लीटर देसी शराब के साथ रामपुर गाँव के समीप से गिरफ्तार किया। अब आपको बताते हैं कि नक्सली अनंत कुमार पर कितने संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी पंकज कुमार की माने तो इस नक्सली अनंत कुमार पर मुंगेर और लखीसराय जिले में लगभग एक दर्जन से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस इसकी तलाश लंबे अरसे से कर रही थी। अनंत कुमार पर चानन थाना के नक्सल प्रभावित जानकी डी बेलदरिया गांव में लेवी की मांग को लेकर 2 ट्रक को आग के हवाले एवं दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला दर्ज है। वहीं कजरा के पहाड़ी इलाकों में पुलिस के साथ मुठभेड़ मामले में भी पुलिस को इसकी तलाश थी। दोनों नक्सल वारदात में यह लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके खिलाफ चानन कजरा पीढ़ी बाजार थाना समेत मुंगेर के धरारा थाना में कई संगीन मामले दर्ज हैं। बताते चले कि नक्सली अनंत कुमार पुलिस की दबिश देख हाल के दिनों में देसी शराब के कारोबार से जुड़ चुका था और लगातार पहाड़ी इलाकों से देसी शराब लाकर दोनों भाई शराब तस्करी कर रहे थे। अब इस गिरफ्तारी से एक बात तो साफ दिख रही है कि अगर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रही तो आने वाले दिनों में लखीसराय जिले से नक्सलियों का खात्मा तय माना जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लखीसराय के एसपी पंकज कुमार इस पूरे मामले पर। अनंत कुमार जो पहले नक्सली घटनाओं में रहा है और उसके साथ नूनू लाल दोनों भाई है, सगे भाई की आज गिरफ्तारी सूजगढ़ा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई है। इन लोगों को सूचना मिली कि दोनों भाई मोटरसाइकिल पर शराब लेकर आ रहा है। सूचना के आलोक में सूजगढ़ा सर्किल इंस्पेक्टर, सूजगढ़ा थानाध्यक्ष राजीव, सब इंस्पेक्टर रावत, पीटीसी नंद किशोर, कांस्टेबल अमित अरबाज कुणाल एवं सशस्त्र बल के साथ सूचना के आलोक में घेराबंदी की गई। मोटरसाइकिल सहित शराब के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि अनंत 2 नक्सली कांड में पहले रहा है, एक कजरा थाना क्षेत्र में, एक चानन थाना क्षेत्र में। इसके अलावा इसके विरुद्ध लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं। नक्सली गतिविधि के बाद जब पुलिस की कार्रवाई नक्सलियों के विरुद्ध होने लगी तो ये नक्सली धारा से थोड़ा हट के इन्होंने चोरी करना शुरू किया। कई एक वाहन चोरी किए। इसका कार्यक्षेत्र लखीसराय के साथ साथ मुंगेर भी रहा है और कई एक मामले में ये वांछित भी है। आरा में जून में कजरा थाना क्षेत्र में आमा टोला बरमसिया में सर्च अभियान के दौरान नक्सली और पुलिस के बीच, पैरामिलिट्री फोर्स के बीच मुठभेड़ की घटना हो गई थी। उक्त मुठभेड़ में उस समय 2 राइफल भी बरामद हुआ था और उक्त मुठभेड़ का अनंत जो गिरफ्तार है, नामजद अभियुक्त है, उस घटना में शामिल था। चानन थाना क्षेत्र में भी वर्ष 2018 में ही मई माह में जानकी डी क्षेत्र में बेलड़िया में 20 सड़क पर लगे 2 ट्रक को लेवी मांगने के नाम पे नक्सलियों द्वारा जलाया गया था और मारपीट की घटना हुई थी। जेसीबी में भी आग लगाया गया था। उक्त घटना में भी अनंत जो बसमतिया निवासी है, कियूल थाना क्षेत्र का, नामजद है। 2 नक्सली घटनाओं में यह शामिल रहा है। इसकी गिरफ्तारी सूजगढ़ा पुलिस, सूजगढ़ा थानाध्यक्ष, सूजगढ़ा सर्किल इंस्पेक्टर और वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा की गई है। इसकी गिरफ्तारी से
हालांकि नक्सली कांड में यह वांछित था, वर्तमान में यह अपना एक गिरोह बनाकर शराब की तस्करी तो करता ही था, वाहन चोर गिरोह का भी संचालक था। सूरजगढ़ा पुलिस के द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है। इसकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी की घटनाओं में तो कमी आएगी ही, साथ ही शराब तस्करी के मामले में भी रोक लगेगी। टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मी को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा।